हाय गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे और अपने अपने घरों में मजे कर रहे होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक ऐसी मूवी जो आपको हिला के रख देगी, और उस मूवी का नाम है भौरी, और वो MX प्लेयर पे आपको पूरी देखने को मिल जाएगी। ये जो स्टोरी है वो मैंने एक्सप्लोइटेशन पे है, और उसका शूट भी काफ़ी अच्छे से किया गया है। और जो स्टोरी में कोई ऐसा सुपरस्टार नहीं है सलमान शाहरुख, और ना ही कोई मतलब हीरोइन ऐसी है जो मतलब बड़े बैनर पे हो, लाइक कैटरीना और दीपिका। एक बहुत ही मतलब अननोन कास्ट है, और जो मतलब जिसने काम बहुत ही अच्छा किया है। अगर मैं स्टोरी लाइन की बात करूँ तो स्टोरी ऐसी है कि मतलब एक लड़की है जिसके 3 पति होते हैं, वो मर जाते हैं, और उसकी शादी फिर चौथे पति से होती है जिसका नाम धनवा होता है, और वो उसके साथ रहती है। पर क्या है, उसको सब मनोज बोलते हैं, लेकिन क्या है, सब उसे पाना चाहते हैं। तो वो मूवी उस पर, और उसका एंड है ना, वो बहुत ही मतलब ज़बरदस्त है। बट इसमें जो मेरे को अच्छा नहीं लगा वो ये है कि आप किसी रिलीजन वाइज नहीं दिखा सकते। आपने जो भी सेगमेंट दिखाया वो मतलब एक ब्राह्मण है, एक ठाकुर है, एक बनिया है, तो ये ऐसा नहीं है कि इन्हीं मतलब कास्ट में लोग बाग ऐसे होते हैं, वो हर कास्ट में होंगे। इट्स नॉट बिलोंग टू एनी कास्टिज्म, बट जो दिखाने का तरीका है वो, अगर आर्टिस्ट वाइज कहूँ तो हाँ ठीक है, बट अगर मैं वैसे कहूँ मतलब एज अ व्यूअर कहूँ, तो जो मतलब एक पर्टिकुलर रिलीजन को या जनरल कैटेगरी को टारगेट करके बनाई गई है, वो मेरे को पर्सनली पसंद नहीं आया। जो तो सेगमेंट है जिसमें मूवी में आप डिस्प्ले कर रहे हो, वो आपको ये तो पता होना चाहिए ना आप क्या दिखा रहे हो। बट हाँ, एज अ आर्टिस्ट वाइज मैं कहूँ तो हाँ मूवी अच्छी है, आप देख सकते हो। और मूवी में काफ़ी हद तक जो मेल डोमिनेशन सोसाइटी है उसके बारे में बात की गई है, अच्छी है। मतलब देख लो, मतलब देखने में कोई मतलब बुराई नहीं है, बट वही है जो लोग जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो शायद ऑफेंड हो सकते हैं। मेरे को पर्सनली पसंद नहीं आई। मतलब अगर मैं जो मतलब एक चीज़ को टारगेट करके जो मूवी का पॉइंट ऑफ व्यू बनाया गया वो मेरे को पर्सनली पसंद नहीं आया। और वैसे मूवी ठीक है, देख सकते हो, वॉचेबल है, थोड़ा मतलब सोसाइटी के बारे में अवेयरनेस है, बट ये स्टोरी किसी न किसी गाँव की तो है ही ना। हर किसी प्रोफेशन को टारगेट करके और हर किसी जनरल कास्ट वाले बंदे को टारगेट करके बनाई गई है, तो ये अच्छी बात नहीं है। मतलब उनको ये लगता है कि जो पहले मतलब जनरल कैटेगरी में आते थे ना, वो शेड्यूल कास्ट को दबा के रखा। आज के टाइम पे तो कोई किसी दब के रह ही नहीं सकता, तो ये मतलब मूवी का बेस मेरे को मतलब ठीक नहीं लगा। बाकी आपका अपना ओपिनियन है, तो अगर आपका कोई ओपिनियन होता है तो आप भी शेयर कर सकते हो। मूवी ठीक है, मैं अभी भी बोल रहा हूँ मूवी अगर आर्टिस्ट वाइज देखूँ तो मूवी अच्छी है, लो बजट मूवी है, बट वही है, एक मतलब एक चीज़ को टारगेट नहीं कर सकते आप। मुझे ऐसा लगता है कि पर्सनली इट्स अ टारगेटिंग टू जनरल कैटेगरी, और सम ऑफ द प्रोफेशन जो वहाँ रहते हैं तो वो ऐसा नहीं है। मतलब ठीक है, अपना अपना ओपिनियन है, एक बनाने वाले की सोच है, बट उसे मतलब डिस्प्ले करना वो मुझे पर्सनली समझ नहीं आया। आप ऐसे नहीं दिखा सकते ना कि डोमिनेट कर रहे हो, आप किसी एक पर्टिकुलर कैटेगरी को ही डोमिनेट कर रहे हो। और मुझे बता दो भाई, आज कौन किससे दबके रहता है? आप किसी को एक बात बोलोगे, 4 बात तो मैं फालतू बोल के चले जाएगा। तो इस मूवी का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ऑब्वियसली बहुत सही है, क्योंकि एक जो मेल डोमिनेशन सोसाइटी है उस पर भी है, तो ऑफकोर्स वो अच्छा ही है। मतलब एक लोगों के बारे में ये सोच भी पता होनी चाहिए ना लोगों की, मतलब क्या चल रहा है या क्या चलता था या कैसी सोसाइटी थी, तो वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, मतलब टारगेटिंग वाली चीज़ है वो मैं उस पर एग्री नहीं करता, वो मतलब मेरा पर्सनल ओपिनियन है। बाकी जिसका भी ओपिनियन है आप शेयर कर सकते हो, जो भी है, तो वो एक ठीक है। मतलब आप देख लो, आप अपना ओपिनियन शेयर कर देना, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी MX प्लेयर पे। तो देखो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना अगर ठीक लगे तो देख लो, मतलब अगर चैनल को तो देख लो, अगर मूवी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने ओपिनियन भी शेयर कर सकते हो। मुझे पर्सनली वही एक चीज़ पसंद नहीं आई जो मतलब टारगेटिंग वाली भी, अदरवाइज वो भी ठीक है। तो आप देखो।